कभी एनडीटीवी में चिट्ठियां छाटने का काम करने वाले वरिष्ठ पत्रकार रविश कुमार को रेमन मैग्सेस अवार्ड से नवाजा जाएगा। रेमन मैग्सेस अवार्ड को एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। रविश कुमार के अलावा ये पुरस्कार चार अन्य लोगों को भी दिया जाएगा। इनमें म्यांमार के को स्वेविन, थाईलैंड की अंगखाना निरापजित, फिलीपींस की रेमुंडो पुजांते केयाब और साउथ कोरिया के किम जोंग की शामिल है। हिंदी टीवी पत्रकारिता में उनके योगदान के लिए रविश कुमार को यह अवार्ड दिया जाएगा। मैग्सेस अवार्ड के लिए जो कैटेगरी बनी है उनमें जर्नलिज्म, लिटरेचर और क्रिएटिव कम्युनिकेशन आर्ट्स को ही एक ही श्रेणी में रखा गया है। रेमन मैग्सेस अवार्ड ने अपने ट्विटर हैंडल से पांचों अवार्डी की फोटो ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी। हालांकि जिस ट्विटर अकाउंट से ये ट्वीट किया गया है वो वेरिफाइड नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार रविश कुमार इस कैटेगरी में अवार्ड पाने वाले 11वें भारतीय हैं। 9 सितंबर को यह अवार्ड फिलीपींस में दिया जाएगा। साल 2018 में दो भारतीय जिनमें मनोचिकित्सक भारत वाटवानी और आर्थिक प्रगति के लिए साइंस और कल्चर को रचनात्मक रूप से काम में लाकर लद्दाखी युवकों की जिंदगियां बदलने वाले सोनम वांगचुक शामिल हैं। गौरतलब है कि 1958 से फिलीपीन के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेस की याद में यह अवार्ड सालाना तौर पर दिया जाता है। साल 1958 में विनोबा भावे को यह अवार्ड दिया गया था। इनके अलावा 1962 में मदर टेरेसा, 1965 में जयप्रकाश नारायण, 1967 में सत्यजीत रे, 1982 में चंद्र प्रसाद भट्ट, 1982 में ही अरुण शौरी, 1994 में किरण बेदी, 2006 में अरविंद केजरीवाल, 2007 में पी साईनाथ जैसे कुछ नामचीन हस्तियों को इस अवार्ड से नवाजा जा चुका है। गौरतलब है कि 12 साल बाद किसी भारतीय पत्रकार को यह अवार्ड दिया जा रहा है। इससे पहले 2007 में पालगुम्मी साईनाथ को 2007 में पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था।